सो दोस्तों कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, एकदम मजे में होंगे। अभी के टाइम पे गाइस ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो तो कभी न कभी तो इस वीडियो को आप लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा देखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ इस प्रकार के वीडियो कैसे एडिटिंग किया जाता है भाई। मगर उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। तो इस वीडियो को एडिटिंग करने के लिए आप लोगों को चाहिए दो एप्लीकेशन, जो पहला है जो कैपकट और दूसरा है जो VPN, ठीक है। इन दोनों को आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना होगा। अगर आप लोग पहले से इंस्टॉल करके रखे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हो तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने पहले से ही VPN को कनेक्टेड करके रखा हूँ। अगर आप लोगों को VPN को कनेक्टेड करना नहीं आता है तो मेरा इससे पिछला वाला वीडियो जाकर देख लेना, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बताया कि VPN को कैसे कनेक्टेड किया जाता है, ठीक है। तो देख सकते हो कैपकट ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से न्यू पेज देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना और आप लोगों को ऐसा एक वीडियो को शूटिंग कर लेना, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने ये वाला वीडियो शूटिंग किए हैं और इसे यहाँ से लेकर एड कर लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि इसका जो वाटरमार्क है ना गाइस, इसे इस प्रकार से डिलीट कर देना, ठीक है। और फिर से वीडियो पे क्लिक करना और यहाँ पर देख सकते हो नीचे में स्पीड वाले पे क्लिक करना, नॉर्मल वाले पे क्लिक करना और इसे थोड़ा स्लो कर देना इस प्रकार से, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने स्लो कर दिया। अब क्या करना है कि यहाँ पर देख सकते हो इसे इधर करने के बाद यहाँ पर लिखा है एडजस्टमेंट वगैरह, ठीक है। एडजस्टमेंट पर जाके ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देना और शेडो को भी, मतलब कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ाना, और आप लोग अपने वीडियो के हिसाब से इसे मिला लेना, ठीक है। तो देख सकते हो HSL का ऑप्शन है ना, तो इनको सभी को कलरफुल कर देना, सिर्फ ये ऑरेंज कलर को छोड़ के सभी को इस प्रकार से पूरे फुल कर देना, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने कर दिया। अब क्या करना है कि यहाँ पर देख सकते हो ग्राफ वाले पे क्लिक करना, ग्रीन वाले पे क्लिक करना और इसे थोड़ा सा ही ऊपर कर लेना है, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया और यहाँ से बैक करना और यहाँ पर देख सकते हो इसके बगल में हाईलाइट को थोड़ा माइनस कर देना इस प्रकार से, देख सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो शेडो को भी थोड़ा माइनस करना और टेम्परेचर जो है ना इसे भी थोड़ा माइनस इस प्रकार से कर देना और यहाँ से ओके क्लिक कर लेना गाइस, ठीक है। तो देख सकते हो हमारा जो वीडियो है कितना कलरफुल देखने के लिए मिल जाएगा। तो देख सकते हो अब क्या करना है कि इसमें इफेक्ट वगैरह जो है ना वो ऐड करना है, तो किस प्रकार से करना है तो आइए देखते हैं। इफेक्ट पे क्लिक करना, देख सकते हो वीडियो इफेक्ट वाले पे क्लिक करना। तो देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा लोडिंग ले रहा है और सबसे पहले ये जो डायमंड ब्लर वाला इफेक्ट है ना इसे लेकर यहाँ से ऐड कर लेना है, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने डायमंड ब्लर इफेक्ट ऐड कर लिया है गाइस। अब क्या करना है कि इसमें आप दूसरा इफेक्ट ऐड करना, ठीक है। तो देख सकते हो बॉडी इफेक्ट वाले पे चले जाना। अब बॉडी इफेक्ट पे जाने के बाद आप लोगों को एक इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हो ये वाला, तो इस पर क्लिक इस प्रकार से करना, तो ये देख सकते हो कितना परफेक्ट इफेक्ट लग रहा है गाइस, ठीक है। और इसे भी ओके क्लिक करना और इसे थोड़ा छोटा करना और इस प्रकार से आप जितने भी इफेक्ट चाहते हो वो सब ऐड कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। देख सकते हो ये भी इफेक्ट उस वीडियो में यूज किए गए थे, तो आप लोग भी कुछ इस प्रकार से करना। अब क्या करना है कि फिर से वीडियो नहीं बॉडी वाले पे क्लिक करना और आप लोग अपने हिसाब से जो इफेक्ट को ऐड करना चाहते हो वो इफेक्ट को इस प्रकार से ऐड कर लेना, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने इस इफेक्ट को भी ऐड कर लेता हूँ, कितना परफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और गाइस आप क्या करना है कि वीडियो वाले पे इधर करना, तो देख सकते हो यहाँ से ये डायमंड ब्लर जो है ना ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर एक कट लगाना और यहाँ पर देख सकते हो प्लस का चिन्ह आ गया, इस पर क्लिक करना। तो देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा लोडिंग ले रहा है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देख सकते हो कुछ इस प्रकार से पेज देखने के लिए मिल जाएगा। और कैमरा वाले पे क्लिक करना और ये वाला जो जूमिंग जूम आउट का है ना उन सबको बीच बीच में ऐड कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है, जिससे हमारा जो वीडियो है ना और भी ज़्यादा अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पर भी एक कट लगाना और इस प्रकार से क्लिक करना, कैमरा वाले पे क्लिक करना और आप लोगों को जो अच्छा लगता है जूमिंग जूम आउट उसे ऐड कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। देख सकते हो यहाँ पर कट लगाना फिर से और यहाँ पर डायमंड ब्लर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो दिखा देता हूँ डायमंड ब्लर कैसे लगाया जाता है। तो देख सकते हो मैं ये वाला ले लेता हूँ, तो देख सकते हो वीडियो थोड़ा ब्लर हो जाएगा, इसके बाद पूरा ब्लर जो है हट जाएगा, ठीक है। देख सकते हो, आप लोग प्ले करके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो हमारा जो वीडियो है कितना परफेक्ट तरीका से बन के रेडी हो चुका है गाइस। अब इसमें क्या करना है कि फिर से इसमें अब सॉन्ग ऐड करना बाकी है, ठीक है। तो देख सकते हो ओवरले वाले पे क्लिक करना, वीडियो ऐड ओवरले वाले पे क्लिक करना और आपका जो वीडियो रहेगा ना उसे लेकर यहाँ से ऐड कर लेना और उसे इधर करने के बाद देख सकते हो एक्सपोर्ट ऑडियो वाले पे क्लिक कर लेना, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर लोडिंग ले रहा है और वीडियो कम्प्लीटली ऑडियो से बाहर आ गया, ठीक है। इस वीडियो का आप कोई कार्य नहीं, तो इसे इस प्रकार से डिलीट कर देना, ठीक है।
तो देख सकते हो हमारा जो वीडियो बनके परफेक्ट तरीका से रेडी हो चुका है गाइस, मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा रहा हूँ। गाइस यहाँ पर VPN अच्छे से कनेक्टेड ना होने के कारण ये थोड़ा लैग टाइप से कर रहा है, तो इसे इस प्रकार से सेव करना। सेव करने के बाद ये गाइस अच्छे से देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ जब तक ये भाई वीडियो सेव हो रहा है। आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।